दूसरे नंबर पर बात करने वाले हैं जो पर एक बड़ा मुकाबला होने वाला है सिडनी सिक्सर्स वर्सेस होबर्ट सरीकेन के बीच में 40वां मुकाबला बीबीएल यानी कि बिग बैश लीग का। बात करेंगे इस मैच में क्या कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस हो सकते हैं, ड्रीम 11 की आप क्या बेस्ट टीम बना सकते हो वो सब देख लेते हैं। तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है तो ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्टली आपको टीम दिखा रहा हूँ। तो गाइस ये मेरी टीम है इस मैच के लिए। मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्रेडिट की आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैंने कोशिश करी एक बैलेंस टीम बनाने की। हालांकि होबर्ट्स के मैंने एक ज़्यादा प्लेयर लिए बिकॉज आपको पता है होबर्ट्स की टीम डोमिनेट यहाँ पर कर रही है। बाकी बात करें सिडनी थंडर्स की, सॉरी सिडनी सिक्सर्स की, तो सिडनी सिक्सर्स भी लगातार टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, लास्ट मैच ये भी अपना विन करके आए, तो एक टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिल सकता है, बट थोड़ी सी डोमिनेट यहाँ पर होबर्ट्स की टीम करेगी। तो आप मेरे हिसाब से इस टीम के साथ जा सकते हैं। कैप्टन मेरे डार्सी शॉट है, वाइस कैप्टन मैथ्यू वेड है, कुछ और ऑप्शन आपको यहाँ पर देने वाला हूँ, कुछ बड़े प्लेयर में से उनके साथ आप चाहो तो ग्रैंडली खेल सकते हो। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो जॉस फिलिपे भी आप टीम के लिए ओपन करने लगे हैं, मैथ्यू वेड भी ओपन कर रहे हैं अगर धोखे से मैथ्यू वेड फेल हो जाते हैं जल्दी, और जॉस फिलिपे भी ओपन कर रहे हैं आप देख रहे हो। तो यहां पर फिलिपे अच्छा स्कोर कर दे अगर थोड़ा बहुत भी, तो यहां पर आपकी टीम ग्रैंड लीग में थोड़ा सा अलग अच्छा परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करना। बाकी जो मोस्ट रेगुलर चॉइस की अगर आप बात करो तो मैथ्यू वेड बहुत शानदार फॉर्म है, लास्ट मैच में हमें ग्रैंड लीग से दूर भी ले गए बिकॉज इनको हमने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाया, हमने डार्सी शॉट को कैप्टन और वाइस कैप्टन कॉलिन इंग्राम को बनाया था, आपने अगर वो मैच देखा होगा। तो यहां पर मैथ्यू वेड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हेड टू हेड में नहीं को पिक करें। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो डार्सी शॉट को मैं टीम में पिक करूंगा, जेम्स विंस को पिक कर रहा हूं, डेनियल हक्स को पिक कर रहा हूं और कालिव जवेल को पिक कर रहा हूं। कालिव जवेल को मैंने क्रेडिट सेवर की तरीके से यूज करा है बिकॉज क्रेडिट मेरे पास बहुत कम थे और यही एक ऐसे प्लेयर थे जो इस क्रेडिट में आ रहे थे। बाकी जैक एडवर्ड्स वगैरह को टीम नीचे भेज रही है। इसके अलावा बेन मैकडोमेट की क्रेडिट भी हाई है, जॉर्ज बेली तो नीचे आते हैं फिर भी उनकी क्रेडिट बहुत ज़्यादा हाई है और जॉर्डन सिल्क के भी यहाँ पर क्रेडिट हाई है। अब बस इतना कर सकते हो, अगर आप जॉर्डन सिल्क को लेना चाहते हो तो हक स्क्वाड आके सिल्क को ले सकते हो। सिल्क लगातार हर मैच परफॉर्म कर रहे हैं बट थोड़ा सा नीचे बैट करने आ रहे हैं, उनसे पहले हक्स वगैरह बैटिंग करने आते हैं। अगर हक्स वगैरह अच्छा परफॉर्म कर गए तो सिल्क की हो सकता है बैटिंग ना आए, वैसे तो बैटिंग आ जाएगी बिकॉज लगभग हर ही मैच में बैटिंग इनकी आ रही है, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं बिकॉज ऊपर की जो टीम है वो पूरी फ्लॉप हो जाती है, मोइस हेंड्रिक्स आउट हो जाते हैं जल्दी, फिर डेनियल हक्स आउट हो जाते हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पर जॉर्डन सिल्क को अच्छी खासी बैटिंग करने का मौका मिल जाता है। तो आप चाहो तो उनको पिक कर सकते हो, मैं फिलहाल के लिए हक्स को ले रहा हूं बिकॉज हक्स थोड़ा सा पहले बैटिंग करने आते हैं और थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट मुझे लगता है इस मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। ऑलराउंड सेक्शन में आते तो मोइस हेंड्रिक्स को मैं स्मार्ट टीम में नहीं ले पाया, परफॉर्मेंस भी खराब है, क्रेड बहुत हाई है, क्रेड हाई होने की वजह से मैं इनको टीम में पिक नहीं कर रहा हूं, मोइस हेंड्रिक्स को यहां पर छोड़ने पड़े। तो ग्रैंड लीग में आप इनको जरूर पिक कर लेना। टॉम कोरन यहां पर फेवरेट रहेंगे, बैट बॉल दोनों से परफॉर्म कर रहे हैं। जेम्स फॉकनर की बात करें तो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहे हैं, हालांकि बैटिंग तो इनकी नहीं आ पाती बट अपने जो पूरे चार ओवर डालते हैं उसमें 2 से 3 विकेट तक निकाल लेते हैं। तो ये दो प्लेयर मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले। फिर बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहां पर स्टीव कीफ को मैंने टीम में पिक करा है, सीन एबॉट को पिक करा है, दोनों ही मेन बॉलर हैं, चार चार ओवर डालते हैं, हर मैच में 1 से 2 विकेट तो निकालते हैं। लास्ट मैच में तो यहाँ पर सीन एबॉट ने 3 विकेट निकाले और स्टीव कीफ ने 1 विकेट निकाला था। जोफ्रे आर्चर जिन्होंने लास्ट मैच में हमें ग्रैंड लीग के बहुत पास पहुंचाया, उनको भी हम टीम में यहाँ पर पिक करेंगे। यहाँ पर बात करें और प्लेयर्स की तो रिले मैडिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होबर्ट सरीकेन की टीम के लिए, तो मेरे हिसाब से आप इनको भी टीम में जरूर पिक करना। ये चार मेरे फ्रंट लाइन बॉलर हो गए, आप देख रहे हो पूरे क्वालिटी बॉलर्स मैंने टीम में पिक करे और ये ऐसे बॉलर जो हर मैच में कम से कम 1 विकेट और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 विकेट तक निकाल लेते हैं। तो ये मेरे चार बॉलर यहाँ पर रहने वाले। बाकी और प्लस की बात करें तो क्रेडिट सेवर में आपके पास लॉर्ड पॉपे हैं बट उनकी गारंटी नहीं होती हर बार खेलने की, और इसके अलावा बात करें तो फिर क्लाइव रोज वगैरह हैं पर इनको लास्ट मैच में कुछ ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, बेंडो आशियस वगैरह इनको विकेट वगैरह नहीं मिल रहे। तो गाइस मेरे हिसाब से ये चार बॉलर आपके लिए बेस्ट है, अगर आप चार बॉलर नहीं लेना चाहते तो इनमें से एक को ड्रॉप करके आप एक्स्ट्रा बैट्समैन भी बढ़ा सकते हो, बट क्रेडिट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसके चलते यहाँ पर हमें थोड़ा अलग टीम यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ी है। कंटिन्यू करते देखते आप लोग बेस्ट कैप्टन कौन होंगे, तो कैप्टनसी की जो बेस्ट ऑप्शन है वो डार्सी शॉट है, वाइस कैप्टनसी में आप चाहो तो टॉम कोरन के साथ भी जा सकते हो, हालांकि होबर्ट्स की टीम है तो होबर्ट्स की टीम की आपको पता है ज़्यादा विकेट नहीं गिरते, तो हो सकता है टॉम कोरन आपके लिए उतनी अच्छी चॉइस आज के मैच में ना बने बिकॉज होबर्ट्स की टीम के मुझे लगता नहीं ज़्यादा विकेट गिरेंगे, बहुत से बहुत भी 3-4 विकेट गिरते हैं, बहुत अच्छी बैटिंग उनकी, तो जो SDS के बॉलर है उनको ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा, हालांकि एडवांटेज तो मिलेगा बट ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एज अ वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से आप होबर्ट सरीकेन के जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है लगातार मैं बता दूं डार्सी शॉट, मैथ्यू वेड, बेन मैकडोमेट, ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी टीम के लिए मोर देन 60-70% रन बनाते हैं, तो इन्हीं के साथ मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। बाकी अगर आप SDS की बात करो ना कि सिडनी सिक्सर्स की, तो सिडनी सिक्सर्स का आपको पता ही हर प्लेयर लगभग 15-20 रन के आसपास बनाकर आउट हो जाता है, तो उनका कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक ही प्लेयर यहां पर लगातार परफॉर्म कर रहा है। हालांकि जॉर्डन सिल्क अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप उनको चाहो तो डेनियल हक्स की टीम में ले सकते हो, बट हक्स पहले बैटिंग करने आते हो और अगर आज के मैच में अच्छा परफॉर्म कर गए तो हो सकता है सिल्क यहाँ पर परफॉर्म ना कर पाए बिकॉज ये उनसे पहले बैट करने आते हैं, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मिले ये हो जाते हैं। आप बस एक चेंज कर सकते हो, जॉर्डन सिल्क को हक्स की जगह पे ला सकते हो। ये मेरी टीम ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है तो यहाँ पर मैं इसको सेव करते करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ
मेरे हेड टू हेड के जो चॉइस है वो यही रहेंगे। डार्सी शॉट कैप्टन है, वाइस कैप्टन भले ही आप बदल लेना वेट की, अगर आप वेट को लेना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आपका बहुत अच्छा ऑप्शन में टॉम कोर्रन है। इसके अलावा एचबीएच के जो बॉलर है जैसे रिले मेरेडिथ हो गए, इसके अलावा बात करें जोफ्रा आर्चर, जेम्स फॉकनर, मुझे लगता है आज के मैच में 10 विकेट गिरा सकते हैं सिडनी सिक्सर्स के, तो इनमें से किसी ना किसी को 3 विकेट तक भी मिल सकते हैं ना, कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज अच्छी बॉलिंग इनकी चल रही है। और बैटिंग में आपको पता ही डार्सी शॉट अकेले बहुत रन लगा रहे हैं, मैथ्यू वेड रन लगा रहे हैं, इसके अलावा कालिफ जवेल फिर इसके बाद बैटिंग करने आते हैं, बेन मैकडोमेट आते हैं, तो मैंने कम से कम 3 प्लेयर्स यहाँ पर लिए। लास्ट मैच में कालिफ की बैटिंग नहीं आ पाई बिकॉज एक भी विकेट नहीं गिरा होबर्ट्स का, बट इस मैच में शायद 1-2 विकेट 3 विकेट तक गिर सकते हैं, तो उसमें यहाँ पर इनकी बैटिंग भी आएगी, बेन मैकडोमेट की भी आ सकती है, और जॉर्ज बुली का थोड़ा चांस कम रहता है बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी 3-4 प्लेयर ऊपर है जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो हर बार बैटिंग नहीं आ पाती है, तो आपको जॉर्ज बुली को मेरे हिसाब से इस मैच में छोड़ना चाहिए। तो गाइज ये मेरी फाइनल टीम बन गई है, कैप्टनसी वाइस कैप्टन बेस्ट चॉइस मैंने आपको बता दी है। ग्रैंड लीग में थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना, जैसे जॉर्डन सिल्वा वगैरह को ट्राई कर सकते हो, और मॉरिस हेनरिक्स जिनको हम टीम में पिक नहीं कर पाए उनको भी आप चाहो तो ट्राई ग्रैंड लीग में कर लेना। सो गाइस फिलहाल के इतने, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।